रूत की किताब अध्याय 2 और वचन 9। जिस खेत को वे लौटी हो उसी पर तेरा ध्यान बंधा रहे और उन्हें के पीछे पीछे न बोले, और जब जब तुझे प्यास लगे तब तब तो बर्तनों के पास जाकर जवानों का भरा हुआ पानी पीना। वाह, आइए प्रार्थना करते हैं। पिता यीशु के नाम से फिर एक बार हम आपके पास आते हैं, प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा हमें मदद कर, सहायता कर, आपके शक्ति और आपके आत्मा से और भरने के लिए। प्रभु जी, प्रभु हमें मदद कर आपके वचनों को सुनने के लिए। पवित्र आत्मा आप जैसे चाहो वैसे हमें चलाओ और जैसे चाहो वही बातें हम सुने। प्रभु जी आपने अनुग्रह किया इसलिए हम धन्यवाद देते, पूरा नियंत्रण आपके हाथों में देते, महान महिमा आपको देता हूँ। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। बाइबल कहता है, हमने कुछ हफ्तों से ये सीखना चालू किया कि किस प्रकार परमेश्वर रूत के जीवन में काम करते हैं। और यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है बोआज। बोआज मतलब वो है यीशु का प्रतीक, जैसे यीशु है वैसे यीशु की वो परछाई है बोआज। और रूत जो है वो कलीसिया की परछाई है। जब मैं आपको कहूँ बोआज तो आपको स्मरण करना यीशु को कि यीशु है। जब मैं कहूं रूत आपको स्मरण करने की हम है कलीसिया है। बाइबल कहता है बोआज रूत से कहता है, देख बेटी ये खेती छोड़कर दूसरे खेती में कभी नहीं जाना, तू इसी खेती में रह। उतना ही नहीं उसके बाद बोआज कहता है कि जो कटनी कर रहे हैं तेरा ध्यान वहीं पर लगे रहे। सबसे पहली बात मैं आपको तीन चीज बताऊंगा आज, तो सबसे पहली बात है वो है आपका दृष्टिकोण, आपका सोच विचार, आप किस नजरिया से देखते हो, आप किस प्रकार देखते हो, ये बहुत मायने रखता है। परमेश्वर यानी यीशु अपनी कलीसिया से कहता है कि फसल पर ध्यान देना। रूत अगर कलीसिया है तो मैं आपको बताना चाहता हूं रूत के जीवन में बहुत सारी समस्या है। इतनी समस्या है कि वहां पर उसे हर दिन ठीक तौर पर खाने के लिए नहीं है। लेकिन यीशु अपनी कलीसिया को क्या कह रहा मालूम है, जो कटनी काट रहे हैं कटनी पर ध्यान दे, तेरी समस्या पर ध्यान मत दे, तेरी परेशानी पर ध्यान मत दे, तेरी कमी घटी पर ध्यान मत दे, कटनी पर ध्यान दे। क्योंकि अगर तू कटनी पर ध्यान देगी तो तेरे मन में केवल फसल रहेगा, तेरे मन में बीज रहेगा, तेरा जो मन रूपी जमीन है वो उपजाऊ रहेगा। तू क्या कर रही है रूत, तू अपनी परेशानी पर ज्यादा ध्यान दे रही है, तेरे पास खाने के लिए कमी घटी है तू उस पर शायद ज्यादा ध्यान दे रही है, उस पर ध्यान बिल्कुल मत दे। तो खाली एक चीज पर ध्यान करना कि जो लोग कटनी काट रहे हैं कटनी पर ध्यान दे। मैं आपको बताना चाहता हूं ना, हमारे जीवन में बहुत जरूरी है हम कौन से चीज पर फोकस करते हैं। बाइबल कहता है इफिसियों किताब अध्याय 1 में लिखा है कि तुम्हारी जो आवश्यकताएं हैं, तुम्हारी जो जरूरत है, जो आशीषें हैं, परमेश्वर ने आत्मिक स्तर में तैयार करके रख दी है। सो आप अभी कैसे देखते हो, आप देखते हो कि आप बीमार हो या आप देखते हो कि चंगाई उसने लाके रख दी, आप देखते हो कि आप परेशान हो या आप देखते हो कि परमेश्वर ने हमें परेशानी से बाहर निकाल दिया, आप देखते हो कि आप कर्जे में हो या आप देखते हो कि परमेश्वर ने सारा कर्जा चुकता कर दिया। आपका दृष्टिकोण बहुत मायने रखता है। और बोआज रूत से कहता है कि रूत तू अपनी तरफ ध्यान नहीं देना। क्यों ध्यान नहीं देना, क्योंकि पहले आदम ने ऐसे ही किया था, उसने अपने पर जब ध्यान देना चालू किया वो छुपने लगा, उस पर और पीड़ाएं आ गई, उस पर परेशानी आ गई, परमेश्वर में उसमें दूरी हो गई क्योंकि वो अपने आप पर ज्यादा ध्यान दे रहा था और कह रहा था ओ जो महिमा रूपी चीज मेरे ऊपर था वो तो चले गया है, अब मैं तो बेइज्जती हो गया, मेरा तो बेइज्जती हो गया, मैं बहुत गंदा दिख रहा हूं, मैं अच्छा नहीं दिख रहा, मैं पहले जब खुद पर ध्यान दे रहा था तो मैं बहुत खूबसूरत दिख रहा था, लेकिन अब मैं नग्न हूं और मैं बहुत गंदा दिखता हूं। और उसी के वजह से वो छुपने लगा। बोआज उससे कहता है रूत जैसे पहले आदम ने किया वैसे तुझे करने की जरूरत नहीं है, अपने स्थिति पर ध्यान मत दे, तू इतने साल से जो पीड़ाएं उठा रही है समस्याएं उठा रही है उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, कटनी पर ध्यान दे, कटनी पर ध्यान दे।
मैं चाहता हूं कि कटनी पर ध्यान दे। मैं आपको बताना चाहता हूं आपकी परिस्थिति आज कैसे है उस पर ध्यान मत दो। आपको क्या करना है परमेश्वर आपकी परिस्थिति के बारे में क्या कहता है उस पर ज्यादा ध्यान देना है। रूथ ने अपनी सास से कहा, नाओमी से कहा, नाओमी या सासू माँ या पता नहीं कौन सा शब्द का होगा, अच्छा ही शब्द का होगा क्योंकि वो बहुत अच्छी महिला थी, बहुत खूबसूरत शब्द का होगा। So, मैं प्रार्थना करूंगा कि प्रभु मुझे बता कि उसने शब्द क्या कहा। सो वो कहती है कि प्लीज मेरे लिए प्रार्थना करें कि जिस खेत में मैं जाऊंगी उसका अनुग्रह का दृष्टि मुझ पर हो। उस छोटी सी प्रार्थना ने उसके लिए एक बड़ा द्वार खोल दिया। मैं आपको बताता हूं ना कि जब आप अपने जीवन में बहुत सारे संकट से गुजरते हो, मैं हमेशा यही प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर मुझे आपके अनुग्रह को अनुभव करने के लिए मदद करो। मैं जब मुझे ऐसा लगता है कि इसके आगे मैं नहीं कर सकता, मैं हार गया हूं टोटली, सो मेरा वहां से प्रार्थना चालू हो जाती है कि परमेश्वर मुझे अनुभव करने के लिए मदद कर। अब तक मैंने सुना है, अब तक मैंने कहा है, अब मुझे आपके अनुग्रह का अनुभव करने के लिए मदद कर। मैं अपने बाएं फैलाकर अपना हाथ पसार कर मैं कहता हूं कि परमेश्वर मुझे मदद कर आपके अनुग्रह को अनुभव करने के लिए। मैं अपना मुंह पसार कर कहता हूं कि परमेश्वर मुझे मदद कर आपके अनुग्रह को अनुभव करने के लिए। जब आप अपनी समस्या और दिक्कत में पड़े हो तो बहुत जरूरी है कि आपका दृष्टिकोण क्या हो। आपका दृष्टिकोण जमीन पर रहता है या आपका दृष्टिकोण कटनी पर रहता है, ये बहुत जरूरी है। आपका दृष्टिकोण खुद पर रहता है या आपका दृष्टिकोण परमेश्वर पर रहता है, बहुत जरूरी है। आपका दृष्टिकोण परमेश्वर के वचनों पर रहता है या आपका दृष्टिकोण वो शब्दों पर रहता है जो आपकी परिस्थिति आपसे कहती है, बहुत जरूरी है। मैं आपको बताना चाहता हूं ना, हम जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं हम बहुत निराश हैं, हम दुखित हैं अपने चीजों को लेकर। हम हर एक लोगों की अलग अलग समस्या है, किसी को कर्जे की समस्या है, किसी को बीमारी की समस्या है, किसी को रिश्ते की समस्या है, किसी को शादी होने की समस्या है, किसी को शादी नहीं होने की समस्या है। सबकी अपनी अपनी समस्या है। किसी का सर दर्द देने की समस्या है तो किसी को कि उसका सर दर्द क्यों नहीं दे रहा है उसकी समस्या है। किसी को ज्यादा हंसने की समस्या है तो किसी को वो ज्यादा क्यों हंस रहा है उसकी समस्या है। सबको कुछ ना कुछ समस्या है। सो अपने समस्या के बीच में, अपने समस्या के दरमियान आप क्या, आपका फोकस, आपके मन में क्या चल रहा था, ये बहुत जरूरी है आपके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, बहुत जरूरी है। इसलिए बोआज जो कि यीशु की परछाई है, वो रूथ से कहता है जो कि कलीसिया की परछाई है कि रूथ जो कटनी काट रहे हैं उस पर तेरा दृष्टिकोण बना रहे तो उस पर फोकस कर, उनके पीछे चल, तो फोकस करना। शायद अब तक रूथ फोकस कर रही थी अपने घर को लेकर, हम इतने दिन परेशान थे, इतने दिन समस्या में हैं, हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, हम बहुत लाचार हो गए हैं, क्योंकि वो नाओमी के साथ रह रहकर शायद कुछ ना कुछ स्वभाव इसमें भी शायद आया होगा, क्योंकि नाओमी कहते हैं ओ प्लीज मुझे तृप्त मत बुलाओ, मुझे संतुष्ट मत बुलाओ, मुझे मारा बुलाओ, क्योंकि मेरा जो दिल है वो कड़वाहट से भर गया है, प्रभु ने सब कुछ छीन लिया है। शायद उसका फोकस, रूथ का फोकस वही होगा, रूथ के जोड़ीदार ने जो कहा वही चीज वो स्मरण कर रही थी शायद। लेकिन यीशु कहते अपनी चर्च से, अपनी कलीसिया से, तुझे सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि करने वाला तू नहीं, अब करने वाला मैं, क्योंकि तेरे पास तो कुछ करने के लिए है ही नहीं। इसलिए मैं जो कह रहा हूं इंस्ट्रक्शन उसी पर ध्यान देना। तो सबसे पहली बात है फोकस। कहो फोकस। फोकस आपका दृष्टिकोण। फोकस मतलब केवल यह नहीं कि आप कहां देख रहे हो, लेकिन फोकस मतलब है कि आपके मन में क्या चल रहा है। आपको पता है कुछ लोग सामने देखकर तो चलते हैं लेकिन उनका सोच कभी कभी अलग रहता है। आपके साथ हुआ या नहीं मुझे पता नहीं, मेरे साथ कई बार ऐसे होता है, सामने से व्यक्ति आ रहा है लेकिन हम उसको पहचानते नहीं है ऐसे, और वो कह रहे हैं यार देखो, देखने के बाद भी देखो मुझे हाय हेलो नहीं कर रहा है,
देखने के बाद भी मुझे है ना अनदेखा कर रहा है, देखने के बाद भी नजरअंदाज कर रहा है, देखने के बाद भी मुझे देखकर वहां मुड़ गया। वो समस्या वो नहीं है, समस्या क्या है कि हम देख रहे तो है लेकिन हमारा विचार कहीं तो अलग है, हमारा सोच कहीं तो अलग है, और उसी की वजह से हम जो सामने व्यक्ति आ रहा है उसको नहीं देख पाते क्योंकि हमारा सोच विचार अलग है। सो दृष्टिकोण मतलब कि आप अपनी स्थिति में किस प्रकार का विचार कर रहे हो, किस प्रकार का सोच रख रहे हो। सबसे पहली बात, एक बात तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जो भी स्थिति से गुजर रहे हो आपको हारने की जरूरत है, क्योंकि हार आपके लिए नहीं है। आप पर 50 करोड़ कर्जा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर्जा वाला आके मेरा जान नहीं ले सकता, वो आएगा थोड़ा झगड़ा करेगा उतना ही ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, फेस करो, फेस करो और उसको कहो भाई आपका बहुत कर्जा है मेरे को, सो मैं थोड़ा थोड़ा दूंगा आपको, डुबाऊंगा नहीं, मुझे पता है कि आप पर भी कर्जा है, आप पर भी समस्या है, और थोड़ा सा ना मीठा बात करना चाहो गुरु व्यक्ति कहेगा नहीं यार आप समझ नहीं पा रहे हो यार, बहुत तकलीफ हो रही है मुझे भी, बहुत परेशानी, बहुत दिक्कत है। लेकिन अगर आप उससे डरने लगोगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं ना, आप उस डर में गलत निर्णय लोगे। डर हमेशा हमें गलत मार्ग में लेकर जाता है, लेकिन विश्वास, आशा, धीरज हमारे जीवन में अच्छे मार्ग पे हमें लेकर जाता है। इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। रूत ने शायद डर डर कर शुरुआत के समय में जब वो उस फील्ड में गई, उस खेती में गई जहां पर फसल कटने का समय था, उसने जब बीनना चालू किया वो शायद डर डर कर बीन रही होगी, लेकिन परमेश्वर की योजना उसके लिए बहुत ही अद्भुत है। आप जब प्रभु के पास आए होंगे तो शायद आपने इतना ही तय किया होगा कि ओ बस कैसे भी कर हम बहुत भूखे हैं, हमें 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ते का अनाज अगर मिल जाए तो बस हो जाए। लेकिन परमेश्वर तो कुछ अलग ही चाहता है। मैं नहीं चाहता कि तू अनाज बीन, लेकिन मैं चाहता हूं कि जिस फसल में तू अनाज बीन रही है कुछ ही समय के बाद वो फसल की मालकिन तू बनने पर है। केवल धीरज रख, उपवास कहता है जो कटनी काट रहे हैं उस पर फोकस कर, जो कटनी काट रहे हैं उस पर ध्यान कर। आपके स्थिति में, आपकी बेकार परिस्थिति में आपका जो मन है किस चीज पर लगा है यह बहुत जरूरी है। परमेश्वर हमेशा देने का काम करते हैं, आपका विश्वास चीजों को आकर्षित करता है आपके जीवन में। परमेश्वर अनुग्रह करते हैं, आप विश्वास के साथ चीजों को ग्रहण करते हो, लेकिन उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और वो है आशा रखना, क्योंकि आपका जो आशा है, आपकी जो अपेक्षा है, आपकी जो शांति है वो चीजों को थाम कर रखती है, वो पकड़ कर रखती है। अगर आप में शांति बने नहीं रहेगी, मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, चीजें आएगी और चली जाएगी, आप उसको अनुभव नहीं कर पाओगे। So, आपको चीजों को ग्रहण कर छोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर परमेश्वर ने अपने उस असीम अनुग्रह से हम पर अनुग्रह किया है, विश्वास के साथ आपने अगर ग्रहण किया है, अपनी शांति बनो कि प्रभु सब कुछ ठीक ठाक करेगा। दाऊद कह रहा है कि मैं मरूंगा नहीं, मैं जीऊंगा और मैं परमेश्वर की महिमा करूंगा। कब वो कहता मालूम है? जब सब कुछ ठीक ठाक था उसके साथ, सब कुछ अच्छा था। नहीं, तब वो नहीं कहता है, वो तब कहता है जब उसको लगता है कि मेरा शत्रु जो है ना मुझसे ज्यादा शक्तिशाली हो गया है, अब मेरी खैर नहीं है। सो वो चीखता है और कहता है कि मैं मरूंगा नहीं, मैं जीऊंगा और मैं परमेश्वर की महिमा करूंगा। जब आपको लगता है कि पानी सर के ऊपर जा रहा है, परेशानी हमें नियंत्रण में ले रही है, परेशानी में डुबा रही है, बीमारी हमारे शरीर को खराब कर रही है, कर्जे का जो विचार धारणा है वो पूरी तौर पर हमारे अंदर डर लेकर आ रहा है, मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, आपको शांत नहीं बैठना है, आपको फोकस करना है और चीखना है अपने शत्रु पर, ओ शत्रु तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि मैं मरूंगा नहीं, मैं जिंदा रहूंगा और मैं बड़ाई करूंगा परमेश्वर की, मैं गवाही दूंगा जिसके द्वारा परमेश्वर कई सारे लोगों को अपने पास बुलाएगी। इसलिए मैं दोनों करता हूं। सो मैं आपको बताना चाहता हूं ना, आप फोकस क्या करते हो बहुत जरूरी है। वो आज जरूर से कहा कि जो लोग कटनी काट रहे हैं उस पर फोकस कर। वापस एक बार वही वचन बहुत ही खूबसूरत तौर पर लिखा है, रूत की किताब अध्याय 2 और वचन 9।
जिस खेत को वे लौती हो उसी पर तेरा ध्यान बंधा रहे और उन्हें के पीछे पीछे चला करना। बाइबल कहता है दूसरा जो शब्द है उनके पीछे पीछे चला करना जो लोग फसल काटते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं ना, केवल फसल की ओर ध्यान लगाना जरूरी नहीं है, लेकिन जहां भी वो फसल काटते हुए जा रहे हैं आपको उनके साथ हो लेना है, उनके साथ आपको आगे बढ़ना है। आपको पता होना चाहिए कि जो लोग फसल काट रहे हैं परमेश्वर ने किस प्रकार का चीज हमारे जीवन में किया, या वो व्यक्ति हमारे जीवन में कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जैसे मसीह ने अपना जीवन बिताते, मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, उद्धार पाने के बाद सबसे पहला उपहार जो परमेश्वर देता है वो ये है कि वो हमें गुलामी से बाहर निकालता है। बाइबल कहता है कुलुसी किताब अध्याय 1:13 में लिखा है कि वो अंधकार के साम्राज्य से बाहर निकालता है और अपने प्रिय पुत्र के राज्य में हमें प्रवेश कराता है। यानी सबसे पहली बात क्या होती है कि हम शत्रु के हाथ से बाहर निकलते हैं और परमेश्वर के पास जाते हैं। जैसे ही हम परमेश्वर के पास पहुंचते हैं यूहन्ना 1:12 के अनुसार हम उसके संतान बन जाते हैं। जैसे हम उसके संतान बन जाते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं ना, जो परमेश्वर की सेवकाई करते हैं वे लोग हमारी सेवकाई करना चालू करते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के संतान ही, हम परमेश्वर के संतान हैं। बहुत ही खूबसूरत दिखा इब्रानियों किताब अध्याय 1:14 बहुत ही खूबसूरत दिखा। मैं चाहता हूं कि सब पढ़े और अपेक्षा करें, जैसे हम पढ़ रहे हैं अपेक्षा करें ये लोग हमारी भी सेवकाई करेंगे। इब्रानियों किताब अध्याय 1:14 क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है। बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने आपके लिए एक स्वर्गदूत भेजा है। क्या वो सेवा टहल करने वाली आत्मा नहीं जो उद्धार पाने वालों को दी जाती है? आप हर एक व्यक्ति जो यहां पर बैठे, छोटे से लेकर बड़े व्यक्ति तक, आप हर एक लोगों का स्वर्गदूत है, लेकिन हम उसे भूल जाते हैं, हम उसे स्मरण नहीं करते, हम उसे याद नहीं करते, हम उसे काम नहीं देते। मैं आपको बताना चाहता हूं इन दिनों में परमेश्वर वापस एक बार एक ऐसा लहर लाने वाला है जहां पर हम स्वर्गदूतों का अनुभव करेंगे। और कैसे हम अनुभव कर सकते मालूम है क्या? परमेश्वर के वचनों का अंगीकार करो, उससे कहो काम करने के लिए। पवित्र आत्मा वहीं पर काम करता है जहां पर परमेश्वर का वचन है, स्वर्गदूत वहीं पर काम करते जहां पर परमेश्वर का वचन है। अगर आप यीशु के नाम से उन्हें आज्ञा दोगे काम करने की तो वो करेंगे, अगर आप कहोगे कि मार्गदर्शन कर वो करेंगे, अगर आप कहो कि ये चीज कर वो करेंगे। हम जो विश्वासी है, हम विश्वासियों से ज्यादा जो लोग जादू टोना करने में माहिर होते हैं वे लोगों को ज्यादा अनुभव है, क्योंकि हमें दिया गया है स्वर्गदूत सेवा करने के लिए। लेकिन वे लोग क्या करते हैं ना, गलत गलत चीज कर वो अनुभव करते हैं दुष्ट आत्मा के जरिए कार्य करने के लिए। हमारे मुंबई में शायद अब इतना ज्यादा ये लोग फेमस नहीं, कुछ समय पहले, कुछ साल पहले, लगभग 20-30 साल पहले जादू टोना करनी बहुत चलता था, बहुत, और वो भी बहुत बड़ी मात्रा में। अगर आपका किसी के साथ अनबन हो गया, आपको वहां पर जाना है, उसका फोटो लेकर जाना है और आपको कहना है ये व्यक्ति जिंदा नहीं रहना चाहिए, वो क्या 2,00,000 रुपए लूंगा, और वो व्यक्ति 2,00,000 रुपए लेकर कुछ करता था और वो व्यक्ति खून की उल्टी करकर वो मर जाता था। ऐसे बहुत सारे केसेस थे, बहुत सारे। अब इतना नहीं है। क्यों इतना नहीं मालूम है क्या? क्योंकि हर जगह विश्वासी लोग फैल गए। सो मैं आपको बताना चाहता हूं विश्वासी लोगों के ऊपर कोई जादू टोना नहीं कर सकता। कोई कितना भी बड़ा जादू टोना करने वाला व्यक्ति हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं आप पर कोई जादू टोना नहीं चलेगा, क्योंकि जो आप में रहता है वो उस व्यक्ति से कई गुना ज्यादा श्रेष्ठ है और महान है जो बाहर है उससे। उनका पैसा वेस्ट हो जाएगा, उनका नींबू मिर्ची अंडा जो भी है वो वेस्ट हो जाएगा। सो अगर कोई व्यक्ति आपके घर के सामने नारियल लाकर रखता है टीका विका लगाकर, इसका मतलब है कि परमेश्वर चाहता है कि आप अच्छे से उसका चटनी पीसो और उसको चिकन में डाल के ना मस्त चिकन करी बनाओ। अगर कोई नींबू लाकर रखता है, मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रभु चाहता है कि आप ना
ठंडा हो जाओ, नींबू पानी मस्त पियो और ठंडा हो जाओ। कोई अंडा ला के रखता है, इसका मतलब है कि प्रभु चाहते कि आप आमलेट बना के खाओ। अगर ऐसे बहुत सारे लोगों के ऊपर है ना, आप देखते हो ना आपके घर पर या हुआ है, तो एक बोर्ड लगा दो कि यार एक एक मत देना यार, एक एक डजन ला के दे, एक में मजा नहीं आ रहा है। सो ऐसे सामान्य सामान्य लोग जो आज के विश्वासी है, उन्होंने अनुभव किया कि जब कोई व्यक्ति उनको उनके जीवन में गलत चीज करने आता है, सो कोई तो सामर्थ्यशाली व्यक्ति उनके दरवाजे पे खड़ा है। लेकिन अब हमारी समस्या क्या मालूम है क्या, हम उन चीज को स्मरण ही नहीं करते, उसी की वजह से प्रॉब्लम है। जो व्यक्ति कंटी काटते काटते आगे बढ़ रहा है, हमें क्या करना है, उसके पीछे पीछे जाना है ताकि हमारा फोकस यहां वहां नहीं जाए, हमें फॉलो करना है। हबाकुक की किताब में ऐसा लिखा है कि तुम्हारे दर्शन को पाटी पर साफ साफ लिख दो ताकि तुम दौड़ते हुए उसे देख पाओ, पढ़ पाओ। आपके जीवन में जो भी प्रभु ने कार्य किया वो हमेशा आपके आंख के सामने होना चाहिए। आपकी पुरातना के समय में परमेश्वर के वचन जो है या प्रभु के कार्य जो आपके आंख के सामने होना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या देखते मालूम है क्या, जब हम पुरातना ग्रंथ देखते आ रहे हैं यार, हम बस फंसते चले जा रहे हैं, हम बस गिरते चले जा रहे हैं, हमारे जीवन तहस नहस होते चले जा रहे हैं, वही सबसे बड़ी दिक्कत ही है। आपके पुरातना के समय में आपको दिखना चाहिए कि प्रभु क्या कार्य कर रहा है। एक दिन मेरा एक दोस्त है, वो और उसका दोस्त दोनों प्रार्थना कर रहे थे, वे लोग बाइबल कॉलेज में थे और दोनों प्रार्थना कर रहे थे, गंभीरता से प्रार्थना कर रहे थे। सो प्रार्थना करते करते मेरे जो दोस्त का दोस्त है, उसने मेरे दोस्त से कहा कि अन्ना मैं दुष्टात्मा को देख रहा हूं। सो इसने जोर से टपली ऐसे मारा उसके सर पर, उसको कहो प्रार्थना में दुष्टात्मा को मत देख, प्रार्थना में स्वर्गदूत को देख। शायद यहां से चले गए आपके, प्रार्थना में आपको दुष्टात्मा नहीं दिखना चाहिए। और दुष्टात्मा की क्या औकात है कि वो हम विश्वासियों की उपस्थिति में आए। सो अपने आप को सामर्थ्यहीन नहीं मानो। मैं आपको बताता हूं कि जब यीशु पृथ्वी पर थे, यीशु जब अपने पांव को कोई जगह रखे तो दुष्टात्मा वहां से भाग गया। लेकिन कभी कभार यीशु जानबूझकर वो दुष्टात्मा से वार्तालाप करते थे ताकि हमको पता चले। कुछ समय यीशु को देखते दुष्टात्मा भाग गया, कुछ समय वो वहीं पर था, जब उसको आज्ञा दिया फिर वो निकला। कुछ समय जब यीशु ने बीमार व्यक्ति को स्पर्श किया, बीमार व्यक्ति ठीक हो गया, बीमार व्यक्ति ने यीशु को स्पर्श किया, बीमार व्यक्ति ठीक हो गया। कुछ समय जब उसने बीमार व्यक्ति को प्रार्थना किया तो थोड़ा सा जो अंधा है वो धुंधला दिखाई दिया, उसने दोबारा प्रार्थना किया, क्लियर दिखाई दिया। सो इसका मतलब ये नहीं है कि यीशु सामर्थ्यशाली नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप सामर्थ्यशाली नहीं हो। आप बहुत सामर्थ्यशाली हो। अगर रूथ बोआज के यहां पर पहुंच गई, तकलीफें खत्म हो गई है, बस रूथ को देखना ही नहीं कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है, रूथ को क्या करना है, सब कुछ बोआज पर निर्भर होना है। अगर आपने एक बार यीशु को अपने जीवन का मुख्य व्यक्ति, यीशु को अपने जीवन का परमेश्वर, यीशु को अपने जीवन का प्रभु, यीशु को अपने जीवन का मालिक मान लिया, मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, आपकी स्थिति के बारे में आपको फोकस हटा ही दे रहा है। अब परमेश्वर मुझे मालूम है, मैं आपके नियंत्रण में हूं और आप जो चाहोगे वही होगा, आपके इच्छा के बगैर मेरे जीवन में कुछ गलत बात नहीं हो सकता। सो प्रभु हर एक चीज परमेश्वर मैं आपके हाथों में समर्पण करता। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, रूथ ने कुछ ऐसे ही किया, बोआज ने जो कहा रूथ ने उस सुना और उसके ऊपर फोकस किया और वो उसके पीछे चलने लगे। मसीह में आने के बाद परमेश्वर खुश करने के लिए, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, खाली उसने जो चीज की है उसको अपने जीवन में ग्रहण करने की जरूरत है। उसके आगे एक बहुत खूबसूरत वचन है, रूथ 2:9। मैं चाहता हूं इसको सब लोग अपने बाइबल में देखें इस वचन को, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत वचन है। जिस खेत को वह लौती हो उसी पर तेरा ध्यान बना रहे
और उन्हीं के पीछे पीछे चला करना। क्या मैंने जवानों को आज्ञा नहीं दी कि तुझसे न बोले, और जब जब तुझे प्यास लगे तब तक तू बर्तनों के पास जाकर जवानों का भरा हुआ पानी पीना। ठीक है, अब बाइबल कह रही है कि जब जब तुझे प्यास लगे तो तुझे पानी निकालने की जरूरत नहीं है, कुआं वहां पर निकालने की जरूरत नहीं है, पानी पहले से भरा हुआ है, जाके बिंदास पीना और कोई तुझे कुछ बोलेगा नहीं। क्या मैंने जवानों को आज्ञा नहीं दी कि वो तुझे छुए नहीं, इंग्लिश अनुवाद में, क्योंकि उससे पहले कुछ स्वर्गदूतों ने लोगों को स्पर्श करना छूना चालू किया, लेकिन यहां पर ये आज्ञा देता है तुझे कोई छू नहीं सकता क्योंकि मैंने उसे आज्ञा दी है। रूथ, ये जो लोग तू देख रही है, ये जो स्वर्गदूत तू देख रही है, या तो दूसरे भाषा में ये जो नौकर तू देख रही है, ये तेरे नौकर है, तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। तुझे प्यास लग रहा है, पानी भरा हुआ रहेगा, ये जवान लोग ही पानी भरेंगे, और तू खाली जाकर ना खुद को रिफ्रेश कर लेना, ताजा तरोताजा कर लेना। जब तू फोकस कर रही है, जब तू पीछे चल रही है, प्यास जरूर लगेगा, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुझे कोई कुआं खोद कर पानी निकालने की जरूरत नहीं है और निकाल कर पीने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी जवान जो है ना वो पानी भर कर रखेंगे, तुझे जाकर खुद को रिफ्रेश कर लेना, फ्रेश हो जाना। आपको जब भी लगता है कि आप पूरी तौर पर सूख रहे, मैं आपको बताना चाहता हूँ ना, शत्रु इन दिनों में यही चीज कर रहा है, हमें ऐसा लगता है कि हमारे अंदर रूखापन है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे अंदर रूखापन नहीं है, लेकिन शत्रु हमारे अंदर रूखेपन की मानसिकता डाल रहा है कि हम बस सूख है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो भी कोई मसीह से जुड़ा हुआ है वो सूख नहीं सकता है। जिस भी व्यक्ति ने अपना जीवन परमेश्वर को समर्पण किया है वो सूख नहीं सकता है। अगर आपको ऐसे महसूस हो रहा है कि आप बड़े सूख गए, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेज तैयार है, पानी का जो प्याला है वो उमड़ रहा है, पानी का जो बर्तन है वो ऐसे ही बह रहा है। आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपको जाकर पीकर खुद को फ्रेश करने की जरूरत, तरोताजा होने की जरूरत है। मैं आपको बताना चाहता हूं ना, ये तीन चीज हमेशा आपको फोकस करना है। सबसे पहला है कि आप किस चीज पर दृष्टिकोण करते हो, दूसरा आप दृष्टिकोण रखते रखते आप कैसे चलते हो, और तीसरा कि आप लगातार तौर पर खुद को रिफ्रेश करते हो, खुद को तरोताजा करते हो। ये बहुत जरूरी है। हम लोग कई बार हमारे जीवन में ये जो आखिरी पॉइंट है तरोताजा करना, यहीं पर अटक जाते हो। हम कहते हैं नहीं यार, पूरा रूखा पड़ गया है, कुछ नहीं हो रहा है, मसीह जीवन सूखा सूखा जीवन, कुछ चमत्कार नहीं हो रहा है, परेशानी है, दिक्कत ही है, चर्च में जाने का भी मन नहीं करता है, परिवार में वही सब हालत है, हालत बदलती नहीं है। पाकिस्तान में, पंजाब में लोग गीत गाते हैं, हालात बदल जाती है यीशु तेरे छूने से, और हम कहते हैं कोई हालात नहीं बदलता है। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, अगर आप अपनी हालात बदलना चाहते हो तो जुड़ जाओ, कनेक्ट हो जाओ उसके साथ। अगर आपके घर पर कोई नहीं है, आप अकेले हो, दरवाजा बंद करो और नाचो, होते हो परमेश्वर पूरी तौर पर नियंत्रण लेता है। हम उसमें मग्न इसलिए नहीं हो पा रहे कि हम अपना नियंत्रण खोना ही नहीं चाहते, और वही सबसे बड़ी समस्या है। बाहर जब रोड पर डीजे बसे तो हमारा हृदय कहता नहीं यार, अगर प्रभु में नहीं होता ना, देखो गिला के रख देता था, स्टेज गिला के रख देता था, प्रभु में है थोड़ा सा उसके लिए नहीं, वो संसार का नहीं कर सकता हूँ, संसार के गीत नहीं गा सकता। अगर आपके दिल में ऐसे कभी होते, इसका मतलब है कि आप कनेक्टेड नहीं होती तौर पर। आपको क्या करना है, जो बेस्ट गीत आपको जो पसंद है वो लगाना और डांस करना है। क्यों मालूम है, आपकी स्थिति आपको उसके बाद नहीं नचाएगी। अगर आपकी स्थिति आपको नचा रही यहां से हुआ, आपकी परिस्थिति यहां हुआ नचा रही, तो मैं आपको बताना चाहता हूं ना, आपके नाचने के द्वारा जो प्रभु के साथ, मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, आपकी स्थिति जो है ना वो नाचने लगेगी। बोआज ने रूथ से कहा, रूथ मेरी बेटी, तो इस खेती को छोड़कर दूसरी खेती में कभी नहीं जाना। रूथ, जो लोग कटनी काट रहे हैं उस पर अपना ध्यान बनाए रखना। रूथ,
उनका पीछा करना या उनके पीछे चलना, उनके कदमों पर चलना। और जब भी तू थक जाती है, पानी भरा हुआ है, आगे खुद को रिफ्रेश करना, लगातार तौर पर खुद को रिफ्रेश करो प्रभु की उपस्थिति में उसके वचन के द्वारा। उसका वचन सबसे शुद्ध जल है, उसका वचन हमें प्रतिरोध धोना चाहता है, उसका वचन हमें तरोताजा करना चाहता है। उसके करीब आओ। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका जो सबसे सर्वोत्तम प्रेमी है वो आपको बुलाता है और वो कहता है कि तू मेरे करीब आ ताकि मैं तुझे तरोताजा कर सकूं। संसार के लोग, मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, ये लोग जितने भी प्रेमी है मतलबी है, हर एक व्यक्ति उनको आपसे कुछ चाहिए और आपको उनसे कुछ चाहिए। लेकिन जो यीशु है, वो जो असल प्रेमी है, मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, वो खाली हमारे जीवन को सर्वोत्तम करना चाहता है, बेस्ट करना चाहता है, अच्छा देखना चाहता है, अच्छा करना चाहता है। इसलिए उसके करीब आओ। पवित्र आत्मा को इजाजत दो, ये कहते हो कि प्रभु आप मेरे जीवन में कार्य करना चाहते हो, मैं आपके हाथ में सब कुछ नियंत्रण सौंपता। एक आखिरी वचन पढ़ेंगे, देखो कितना खूबसूरत तौर पर रूथ जो है ना बात करती है बोआज से। 10:11, तब वह भूमि तक झुककर मुंह के बल गिरी और उसने कहने लगी, क्या कारण है कि तूने मुझे परदेशी पर अनुग्रह की दृष्टि करके, बस अनुग्रह दृष्टि करके मेरी सुधि ली है, मेरी सुधि ली है। बाइबल कहते हैं कि रूथ जो है ना वो जमीन पर लेट जाती है और वो कहती कि हे मेरे प्रभु, ये क्या बात है कि मैं परदेसी हूं और आपने मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि डाली है। हम सबके सब परदेसी थे, हम जितने भी लोग यहां पर बैठे कोई यीशु के वंशावली से नहीं है, हम कोई यीशु को नहीं जानते थे, लेकिन हम परदेसी होते हुए उसने अपने अनुग्रह की दृष्टि डाली और अपने परिवार में उसने शामिल की। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, रूथ उससे कहते कि हे मेरे प्रभु, तूने मुझ जैसे व्यक्ति पर जाति पर गैर मसीह पर तूने अनुग्रह की दृष्टि डाली। मैं आपको बताना चाहता हूं ना, जैसे बोआज ने रूथ पर अनुग्रह की दृष्टि की, आज हमारा जो स्वर का जो बोआज है वहां पर अनुग्रह की दृष्टि डालता और कहता है कि मैं अगर तुझे चुना है, मैंने अगर तुझे चुन लिया है तो कोई विपत्ति तुझ पर नहीं आ सकती। सो हमें क्या करना चाहिए मालूम है क्या? हमें बोलना चाहिए परमेश्वर आपने कैसे मुझ पर अनुग्रह किया, प्रभु किस प्रकार अनुग्रह किया, प्रभु किस प्रकार आपकी दया है, किस प्रकार आपकी भलाई है। मैं तो कब का मर जाता लेकिन आपने मुझे जिंदा रखा, प्रभु मेरी परिस्थिति की वजह से मैं कब का मिट गया होता लेकिन आपने मुझे जिंदा रखा है। उस स्वर के बोआज को स्मरण करो क्योंकि वो आपकी सुधि लेने पर है। उसने देखा आपकी सारी समस्या, उसने देखा आपकी सारी पीड़ा, उसने देखा आपकी सारी परेशानी। उसके अगर आप आगे पढ़ोगे लिखा गया है, बोआज कहता है रूथ से, मैं तेरी स्टोरी जानता हूं और विस्तार तौर पर जानता हूं। देखो क्या लिखा है 11 नंबर का, बोआज ने उत्तर दिया, जो कुछ तूने पति की मृत्यु के बाद अपनी सास से किया है और तूने किस प्रकार अपने माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आई है जिनको तो पहले न जानती थी, यह सब मुझे विस्तार के साथ बताया गया है। मुझे एक एक चीज जो तूने अपने परिवार के साथ किया है, जो तूने अपने ससुराल में किया है, जो तूने अपने पति के साथ में किया है, जो तेरा पति गुजरने के बाद तूने किस प्रकार का जो जिंदगी तूने बिताया है, वो एक एक बात मेरे सामने है और मैं कैसे इस बात को नकार सकता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, वो केवल अच्छी और भली बातें जो है ना बोआज रूथ के साथ, रूथ के अंदर बहुत सारी परेशानी होगी। रूथ कहती हो क्योंकि उन जमाने में अगर कोई जवान महिला विधवा है उसको बहुत तिरस्कार करते, उसको लोग है ना बहुत गलत दृष्टिकोण से देखते थे। लेकिन बोआज कहते मैं सब कुछ जानता हूं तेरे बारे में, तू कितनी अच्छी महिला है मैं जानता हूं। आज चर्च स्वर का बोआज आपकी तरफ देखकर कहता है, ओ तुझमें कोई दाग नहीं है, तुझमें कोई समस्या नहीं है, किसने तुझसे कहा कि तू सूखा पड़ गया है, किसने तुझसे कहा कि चमत्कार तेरे जीवन में नहीं होगा, किसने तुझसे कहा कि मैंने तेरा त्याग कर दिया है, किसने तुझसे कहा कि मैं तुझे छोड़कर चले जाऊंगा, ओ तुझमें कोई समस्या नहीं है, मैंने इसीलिए तुझे चुना है ताकि मैं वापस एक बार तेरे जीवन को हरियाली कर सकूं।
तू जो दिक्कत से आई है, परेशानी से आई है, मैं सब कुछ विस्तार तौर पर जानता हूं। मैं एक एक चीज जानता हूं तेरे जीवन में। और जब रूथ ने यह सुना, मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, रूथ उसके साथ क्या हुआ होगा मुझे मालूम नहीं, वो किस प्रकार प्रसन्न हुई होगी, क्योंकि रूथ के मन में बहुत सारी समस्या थी। रूथ सोचती हूँ कि मैं एक जवान महिला हूं, मैंने शादी किया लेकिन मेरा पति गुजर गया, अब मैं विधवा हूं, अब पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, लोग मेरे साथ किस प्रकार व्यवहार करेंगे, अब पता नहीं मेरे परिवार में खाने के लिए या कमाने के लिए कोई नहीं, मैं अकेली हूं। मैंने तो निर्णय तो लिया है कि मैं अपने सास के साथ वही रहूंगी जहां वो रहती है, उसी को मानो जिसको वो मानती है, उसके जो रिलेटिव है वो मेरे रिलेटिव है, मैंने तो कह तो दिया लेकिन अब मालूम नहीं क्या होगा, क्योंकि किसी ने हमें खाना लाकर नहीं दिया, अगर खाना लाकर देते तो वो बाहर नहीं जाती, किसी ने खाना लाकर नहीं दिया, सब तो देखने के लिए आए, बाइबल तो कहता है कि पूरे बैथलेम में धूम मच गई लेकिन किसी ने उन्हें खाना लाकर नहीं दिया, पता नहीं क्या होगा हमारे साथ, कोई खाना लाकर दे या नहीं दे, वो मैं आपसे कहना चाहता हूं आपका जो बोआज है जो स्वर्ग में बैठा है वो आपके लिए मार्ग खुला कर रहा है, वो आपके लिए मार्ग तैयार कर रहा है। और लोगों की अपेक्षा मत करे, वो हमारे पड़ोस वाले ने इतने सारे दुख से हम जब गुजर रहे थे उन्होंने लाकर नहीं दिया, हमारे रिश्तेदार को पता है कि हमारे जीवन में क्या समस्या है और वो मदद कर सकते लेकिन उन्होंने मदद नहीं की, वो मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, अपेक्षा भी मत करो, नहीं किया कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम जरूर भलाई करेंगे उनके जीवन में, लेकिन आपका जो बोआज स्वर्ग में बैठा है वो रास्ता तैयार कर रहा है। पहले आपको समझ में नहीं आएगा कि वो कौन सा रास्ता तैयार कर, रूथ को समझ में नहीं आया, उसने कहा फसल की ओर ध्यान दे, रूथ को समझ में नहीं आया, उसने कहा उनके पीछे चल, रूथ को समझ में नहीं आया, उसने कहा पानी पी, उसको कुछ समझ में नहीं आया, उसको लगा था बस वो थोड़ा सा भलाई अपना दिखा रहा है, लेकिन उसको क्या मालूम था कि मेरा स्टोरी अब कुछ समय के बाद बदलने पर है, मेरा स्टोरी कुछ समय के बाद चेंज होने पर है, मेरा स्टोरी परमेश्वर पूरी तौर बदल के रख देगा। आज शायद ऐसे दुर्घटनाओं से ऐसे समस्या से आप गुजर रहे, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ ना, आपका स्टोरी बदल रहा है, आपका स्वर का बोआज विस्तार तौर पर आपके बारे में जानता है और वो मार्ग तैयार कर रहा है, उसे मार्ग तैयार करने दो, विश्वास रखो उस पर, धीरज रखो, वो किसी को आपको छूने के लिए नहीं देगा, कोई भी चीज आपको नहीं छू सकती है, उसने कहा क्या मैंने आज्ञा नहीं दिया कि वो तुझे छूए नहीं, कोई भी चीज आपको नहीं छू सकती है, विश्वास करो वो बोआज उसका दृष्टिकोण आप पर लगा हुआ है, वो आपको प्रोटेक्ट करता है, वो आपको संभालता है, वो आपका हर एक चीज जो है ना वो देखभाल करना चाहता है और वो कर रहा है। अपेक्षा करो इन दिनों की प्रभु सही में आपके साथ अच्छा व्यवहार करे और परमेश्वर आपके साथ एक अच्छा निर्णय ले, परमेश्वर की जो मंजिल है वो आपको समझ में आए, परमेश्वर का जो कार्य है वो आपको समझ में आए, आपका स्वर का बोआज आपका इंतजार कर रहा है कि आप कब उसके पास आओगे और कब उसे कहोगे मुझ जैसे व्यक्ति पर आपने प्रभु अनुग्रह किया कैसे, वो फिर बात करेगा आपसे कि उसने किस प्रकार आप पर अनुग्रह किया। हालेलुया, आइए हम सब लोग खड़े हो जाए, बस दो मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद करें। आप कैसा चित्र अपने मन में तैयार करते हो मुझे मालूम नहीं, लेकिन बोआज का चित्र तैयार करो जो आपका इंतजार करता है, वो स्वर का बोआज आपकी सुधि लेना चाहता है, वो बोआज बहुत महान है, बोआज यीशु की परछाई है, रूथ कलीसिया की परछाई है, बोआज अपना अनुग्रह बरसाता है रूथ पर।